दोस्तों, अभी हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट में दोस्तों कुछ वर्ड यूज होंगे। इन वर्ड को मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कौन कौन से वर्ड उपयोग होंगे। एक तो ऊपर से, दूसरा नीचे से। ऊपर से का मतलब होगा यहाँ से, नीचे से का मतलब होगा नीचे से। इसको क्या कहते हैं, हम बॉटम भी कहते हैं और इसको टॉप भी कहते हैं। उसके बाद बाएं से, दाएं से। और दोस्तों ये हमारे हाथ है, ये कौन सा होता है, बाएं होता है, ये दाएं होता है। और इसको याद रखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जिस हाथ से क्या बने, डी बने, वो तो क्या हो गया, दायां। जिस हाथ से बी बने वो हो गया बायां। तो ये दाएं से, ये बाएं से। दायां बायां, बी बायां, डी दायां। ओके, ये हो गए हमारे वर्ड। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, कुल संख्या निकालनी हो तो क्या करना है, दोनों शोर का योग, -1 कर देना है। क्यों करना वो आगे देखेंगे। एक तरफ से स्थान के लिए कुल संख्या माइनस दूसरी तरफ का स्थान +1 करना है। ठीक है, ये हमारा इसके दो फॉर्मूले रहेंगे इनिशियल क्वेश्चन पर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और अच्छे से इस टॉपिक को समझते चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, एक पंक्ति में सुरेश ऊपर से, मतलब यहाँ से ऊपर से कितना स्थान है, 15वां स्थान है, तथा नीचे से 26वां स्थान है। तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो कुल व्यक्तियों की संख्या अभी हमने देखा था। क्या करना है, एक तरफ से प्लस दूसरी तरफ से -1। तो ये हमारा कितना आ जाता है दोस्त, 40 आ जाता है। क्वेश्चन एक हमने यहाँ पर आसानी से कंप्लीट कर लिया। किस फॉर्मूले से, अपने इस फॉर्मूले से, दोनों शोर का योग -1। और दोस्तों यहाँ पर हम -1 क्यों करें, उसका भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बता दूं, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन में आसानी रहे, को रटना ना पड़े। देखिए, यहाँ पर सुरेश का ऊपर से 15वां और नीचे से 26वां है। तो उसका ऊपर से कौन सा 15वां स्थान है और नीचे से कितना है, 26वां। समझ गए होंगे आप कि ऊपर से यदि माने तो 15 व्यक्ति वह है, नीचे से यदि हम माने तो 26वां व्यक्ति वह है। यानी वह कितनी बार काउंट हो रहा है, यदि इनको ऐड करें तो 2 बार काउंट हो रहा है। या आप ऐसे कह दें कि ऊपर से 14 व्यक्ति उससे पहले बैठे हैं, नीचे से कितने व्यक्ति उससे पहले बैठे हैं, 25। उसके बाद 26वां वह है, ऊपर से 14 के बाद 15वां वह है। तो हमें कितने, क्या करना है, इसमें पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने उसको काउंट करना है। तो यहाँ तक उससे जस्ट पहले कितने हैं, 25, क्योंकि 26वां वह है। ऊपर से जस्ट उसके पहले कितने हैं, 14, और एक वो खुद कितने हो गए ऊपर, 15, और नीचे 25। तो इसीलिए वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसीलिए हम माइनस करें। शायद आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 45 विद्यार्थियों की पंक्ति में अनुष्का बाईं से, कहाँ से है, टोटल विद्यार्थी 45 है, और ये अनुष्का बाएं से 17वें स्थान पर है। तो बताओ पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान है। तो हम देखा था कि एक तरफ से स्थान के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, ये काम में लेते हैं। तो कुल संख्या कितनी है, 45, दूसरी तरफ का स्थान कितना है, 17 है,
और इसमें प्लस वन कर देना है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर हमारे पास कितना आता है, 29। तो ये कौन सा लिया हमने, बाएं से, तो ये क्या आएगा दाएं से, स्थान यानी दूसरी तरफ का स्थान। इसके लिए ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर काम में लिया है। और दोस्तों यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया, उसका लॉजिक यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसमें टोटल पंक्ति में दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं, 45 व्यक्ति बैठे हैं, और यहाँ पर ये 16 और ये 17, इस तरफ से कितने व्यक्ति आ गए, 17। अब 45 में से यदि मैं 17 निकालूँ, कितने निकालूँ, 17, तो यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 28। हमें क्या पूछा गया है कि जो 17 नंबर का विद्यार्थी है या जो 17 नंबर का व्यक्ति है उसका स्थान कौन सा है। तो अभी जैसे हमने केवल 17 माइनस किए, तो इसके बाद कितने व्यक्ति बैठे हैं उस दूसरे सोर्स से, या दूसरी सोर्स से इसके पहले कितने व्यक्ति बैठे हैं, वो 28 है। ये खुद कैसे आएगा, 28 प्लस 1 करने से आएगा। ओके, और आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत ही ना पड़े। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि रोशन का ऊपर से कितना स्थान है, 22वां है, नीचे से 29वां है। तो अब इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने बैठे होंगे दोस्तों, 22 प्लस 29 माइनस 1, यानी कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, ये फॉर्मूला काम में लिया। यदि आप फॉर्मूले को याद रख कर करना चाहते हैं तो ये कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं हमारे पास, 50 हो जाते हैं। यानी इस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 50। और ये क्या बोल रहा है कि तो बताओ उस पंक्ति में कितने विद्यार्थी शामिल किए जाएं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाए, 75। तो 75 50 बैठे हैं, हमें 75 करना है, तो माइनस करेंगे तो कितना, 25। 25 विद्यार्थी यदि हम और ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल उसमें कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 25। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा थोड़ा हम आगे लेवल को बढ़ाते चल रहे हैं। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल ऊपर से 18वां तथा नीचे से 33वां। देखिए क्लास में जो रिजल्ट लगता है उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति बनी है, जिसमें इसका ऊपर से तो 18वां है, नीचे से 33वां है, तो कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी क्योंकि पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 18 प्लस 33 माइनस 1, यानी कितने हो गए, 50 विद्यार्थी किसमें बैठे हैं या किसमें हैं, जो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पंक्ति है उसमें। उसके बाद इसने क्या बोला कि यदि परीक्षा में 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और 6 अनुपस्थित थे, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं, 61। क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 61 विद्यार्थी हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आगे के वीडियो में हम इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार।